हाय गाइस, तो लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम जा रहे थे अयोध्या में हनुमानगढ़ी। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। फिर भी हमने धक्का मुक्की करके भी हनुमान जी के दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए। नेक्स्ट डे हम सुबह जल्दी उठ गए क्योंकि आज हमारी ट्रेन भी थी वापसी की। तो हम जा रहे थे सरयू नदी के पास कुंड में नहाने के लिए। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 6 बजे का और आप देख सकते हैं कि रास्ते में बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। अब हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के पास, तो यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं वो सरयू नदी में नहाने ही आए हुए हैं। नेमी सरन के कुंड में नहाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आई थी, तो हमने सोचा कि हम यहाँ के भी कुंड में ज़रूर नहाएंगे। अयोध्या में हर जगह आपको बंदर देखने को तो मिल ही जाएंगे, और यहाँ का जो कुंड था वो आप देख सकते हैं कि घुटने के बराबर आ रहा था। लगभग 1-1.5 घंटे तक के हम कुंड में नहाए। मेरी मम्मी का कहना है कि कुंड में नहाने का मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता है, तो हम नेमिसारण्य भी गए और अयोध्या भी आए और दोनों ही जगह हमें कुंड में नहाने का मौका मिला, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। हम सुबह से इसलिए भी जल्दी उठ गए थे क्योंकि हनुमानगढ़ी के पास और भी मंदिरें हैं जो कि यहाँ के बहुत फेमस है, जिसके दर्शन हमने नहीं किए थे तो वो भी हमें आज ही करना था। फिर हम हो गए रेडी और सबसे पहले हम गए श्री राम जी और भरत जी के मिलाप मंदिर पे, जो कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी के पास में ही है। कहा जाता है कि जब राम जी वनवास से वापस आए थे तो वो भरत जी से इसी मंदिर पे मिले थे पहली बार, इसलिए इस मंदिर का नाम श्री राम भरत मिलाप मंदिर रख दिया गया। मुझे अयोध्या में सीता माता जी की रसोई भी देखनी थी जहाँ पर माता जी खाना बनाया करती थी, बट अभी वो रसोई टूट चुकी है तो वहाँ पर काम चल रहा था तो हम वहाँ नहीं जा पाए। तो गाइज, आप भी दर्शन कर लीजिए राम जी और भरत जी के मिलाप वाले मंदिर का। यहाँ से दर्शन करने के बाद हमें जाना था दशरथ जी के भवन में, और दशरथ भवन भी आप लोगों को हनुमानगढ़ी के पास में ही देखने को मिल जाएगा। फिर हम चले गए दशरथ भवन। तो गाइस, जो आप सामने में बड़ा सा गेट देख रहे हैं तो वही है दशरथ जी का भवन। हम जब थोड़ा सा अंदर आए तो भवन कुछ इस तरीके से है, और ये दशरथ जी का वही भवन है जहाँ पे राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी खेला करते थे। तो गाइस, अयोध्या और नेमिसारण्य तीर्थ स्थलों का दर्शन का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है क्योंकि आज हम वापस जाने वाले हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को नेमिसारण्य और अयोध्या के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ, एंड आप लोगों को मेरे व्लॉग देखने से थोड़ी सी तो जानकारी मिली ही होगी। हमने अयोध्या से किसी के लिए भी कुछ भी नहीं लिया था, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी सबके लिए क्योंकि हम अयोध्या आए पहली बार और सबके लिए कुछ ना कुछ लेके तो जाना ही था। इसीलिए हमने दशरथ जी के भवन के दर्शन करने के बाद हमने कुछ सामान ले लिया और फिर हमने खा लिया खाना। फिर रेलवे स्टेशन जाने का भी टाइम हो चुका था, एंड अयोध्या का रेलवे स्टेशन बहुत अच्छा बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। आई होप गाइज कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ रिचेश मेहरा व्लॉग्स। बाय गाइज़।